प्रदेश में इस बार आखातीज और पीपल पूर्णिमा पर शादियों की भरमार है। इस बार आखातीज 7 मई को और पीपल पूर्णिमा 18 मई को है। इन अभूत सावों पर राजस्थान में हर साल हजारों की संख्या में बाल विवाह होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने शहर से लेकर के गांवों में जिम्मेदारी सभी की तय कर दी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों के माता पिता के साथ में पंडित, टेंट और हलवाई के अलावा उसमें शामिल होने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन की निगरानी में ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों, पटवारी, ग्राम सेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले साल बाल विवाह के सबसे अधिक मामले राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, नागौर, चूरू और चित्तौड़ में सामने आए थे। महिला और बाल विकास विभाग की पहल से, जिला प्रशासन की सजगता से प्रदेश में 2017-18 में 700 और 18-19 में 800 के आसपास बाल विवाह को रुकवाया गया। इस बार बाल विवाह की सूचना प्रतिषेध अधिकारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन 1098, उपकर्ण मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, पुलिस, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट 181, रालसा, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को मौखिक, लिखित, चिट्ठी और सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायत की जा सकती है।